हेलो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे वीडियो में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ बिहार आईटीआई से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट बातें, तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, तो पॉलिटेक्निक के फॉर्म के जस्ट एक वन वीक या कुछ दिन बाद तुरंत ही आईटीआई का भी फॉर्म निकल जाता है। ऐसा पिछले कई सालों से चलते आ रहा है, तो बहुत ही जल्दी जो है इसका फॉर्म रिलीज होने वाला है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही कोई नई नोटिफिकेशन आता है आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आज मैं बातें कर लेता हूँ बिहार आईटीआई की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, कैंडिडेट द हु वांट टू अप्लाई फॉर बिहार आईटीआई कैन अप्लाई देयर कम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड BCECEB विल रिलीज द नोटिफिकेशन आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम वेरी सून। बहुत ही जल्दी जो है इसका अपडेट आने वाला है। तो कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन कौन कैंडिडेट जो एलिजिबल है, क्या एजुकेशन क्राइटेरिया है और कितनी फी रहती है, सारी जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी की बात करें ना, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस सेक्शन में आपको देखिए, कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 10th स्टैंडर्ड सक्सेसफुली फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और नॉन साइंस भी वाले भी इसमें भर सकते हैं, लेकिन आप 10th का जो है एग्ज़ाम पास आउट हो तभी ये फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है मिनिमम एज जो है 14 ईयर, यानी कि 14 वर्ष कम से कम आयु रहनी चाहिए आपका, तभी उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। यहाँ देखिए, जनरल और ओबीसी के लिए जो है ₹550 और SC ST के लिए ₹100 फीस रखा जाता है आईटीआई बिहार आईटीआई के लिए। इसमें आपको फर्स्ट जो है रिटेन टेस्ट होगा, उसके बाद मेरिट बनता है। तो किस तरह की क्वेश्चन आती है आइए देख लेते हैं, कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, नेगेटिव रहता है या नहीं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस सेक्शन में देखिए, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें देगा आपको 150, यानी कि 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करता है, यानी कि 300 मार्क का जो है एग्जाम होगा। अगर आप कोई गलत बनाते हैं तो गलत के लिए नो नेगेटिव है, और एग्ज़ाम का टाइम है 2 घंटा 15 मिनट। तो 150 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा 15 मिनट बहुत ज़्यादा समय दे रहा है। तो आप लोग अगर एंट्रेंस दीजिएगा तो विदाउट टेंशन फ्री होकर बनाइएगा, समय बहुत दिया हुआ है। मैं खुद इससे गुजरा हूँ तो अपना फीलिंग बता रहा हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आईटीआई से संबंधित सिलेबस और कौन कौन से सब्जेक्ट कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारी जानकारी मैं लेकर आने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट सबसे पाने के लिए, पहले पाने के लिए। तो ये थी बिहार आईटीआई से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें। फॉर्म जल्द ही आने वाला है, अगर किसी कभी भी अगर कोई न्यू नोटिफिकेशन आता है तो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।